ओम शांति। सवेरे आँख खुलते ही सच्चे दिल से आवाज निकले, इस संसार में मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। हाथ ऊपर उठाकर बाबा से बात करें, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरे भंडारे भरपूर कर दिए, मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया। बस सवेरे सवेरे अगर ये संकल्प करेंगे तो सचमुच भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। लेकिन ये बात खुले मन से करनी है ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन इसे स्वीकार कर ले। जरा विचार करें, क्यों हम भाग्यवान हैं? सबसे बड़ी चीज तो हमें वो घर बैठे मिल गया जिसको पाने के लिए हम निस्दिन इंतजार किया करते थे, जिसके दर्शनों के लिए हम त्याग और तपस्या करके जंगलों की राह लेते थे, जिससे मिलने के लिए हमारे नैन तरसते थे। हम राह तकते थे कब हमारे प्रियतम इस धरा पर आएंगे और हमें उनकी समीपता प्राप्त होगी। सोचो कितना बड़ा भाग्य है, हमारे घर बैठे भगवान मेहमान बनकर हमारे पास आ गए। खाली हाथ नहीं आए, साथ में स्वर्ग का राजभाग ताज और तिलक लेकर आए। हाथ में लिए खड़े हैं बच्चे, लो ये तुम्हारे लिए है, लाओ तुम्हें स्वराज का तिलक लगा दूं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, रोज सवेरे स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। सोचो जिनको गाइड करने वाला परम सद्गुरु स्वयं भगवान हो, उनका जीवन कितना सुलभ सरल सरस हो जाएगा। रोज पढ़ाते हैं, हम भगवान से सुनते हैं, सत्य गीता ज्ञान सुनते हैं, मन के सभी अंधकार उसने आकर दूर कर दिए, हमारे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया, संपूर्ण ज्ञान, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। परम शिक्षक बनकर रोज वो हमें पढ़ाने आते हैं, इससे बड़ा भाग्य और भला किसका होगा। हमें ये सुंदर परिवार भी मिला, ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ज्ञान रतन मिले, हम भरपूर हुए, स्वयं भगवान मिले, केवल मिले ही नहीं, उन्होंने हमें अपनापन दिया और आकर कहा, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैं कभी शुरू के सालों में छतों पर घूमते हुए बाबा से बातें किया करता था, बाबा हम तो आपके लिए न जाने क्या क्या कल्पनाएं करते थे, तुम ऐसे होगे, तुम ऐसे होगे, पता नहीं कैसे होंगे, बहुत बड़े होंगे या छोटे होंगे, विष्णु स्वरूप में होंगे या महादेव स्वरूप में होंगे, श्री कृष्ण रूप में होंगे या राम के रूप में होंगे, परंतु जब आप हमारे पास आए तो तुम तो हमारे ही निकले। कितनी समीपता हो गई है हमें भगवान से, जिसके दर्शनों के लिए नैन प्यासी थी, अब वो हमारे हैं, हमारे जीवन में समा गए हैं, हमारे परिवार के हेड बन गए हैं। उन्होंने हमें सामने बैठकर कहा, बच्चे तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम बेफिकर बादशाह बन जाओ। तो अपने भाग्य को देख देख कर मुस्कुराते रहो, और आज सारा दिन ये
वाणी बाबा की वाणी मन में गूंजती रहे, मेरे जैसा भाग्यवान इस धरा पर कोई नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे पास सब कुछ है, अथाह धन संपदा है, सर्व शक्तियां हैं, संपूर्ण प्योरिटी है, सुख चैन आनंद है। और सारा दिन अभ्यास करेंगे, सर्वशक्तिमान परम धाम से नीचे उतरता है, हमारी छत्र छाया बन जाता है, 10 सेकंड के बाद फिर वापस जाकर अपनी परम धाम सीट पर बैठ जाता है, फिर नीचे आ रहा है, हमारी छत्र छाया बन जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, अपनी सीट पर बैठ जाता है। सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।